और गाइस ये है यहाँ पे शॉप, वो जा चुका है, देखो पानी में घूम रहा था ये। गाइस सीन किस ऐसा है कि मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि जिस तरह से रास्ता है डरना स्वाभाविक है। रास्ते में पर हम खड़ा रहे बंदर के लिए, ला ये लो 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 ये लो। जंगलों में इतना प्यारा व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं और ही हिमाचल उत्तराखंड शिमला ऐसे जगह पहुंच गए। लेकिन ये है सर इसका के पहाड़, और यहाँ पे देखिए पहाड़ कितने खतरनाक, ऊपर से ऐसे गिर सकते हैं यहाँ पे पहाड़ ऊपर देखो, और एकदम हमें सर को ऊपर देखना पड़ रहा है। तो ऊपर देखने के बाद जैसे ही नीचे देखते हैं ऐसे पता लगता है पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, और रास्ता ये है। चलो और यहाँ पे देखो रास्ता देखो कितना खतरा, इसमें हमारे पैरों में कुछ नहीं है, यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह ऐसे उनका भी यहाँ पे खतरा है। तो हमें जल्दी से निकल लेते इधर से, थोड़ा साफ से उसमें पहुँच जाते हैं रास्ते में। और ये थोड़ा सा प्यारा सा, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह है। चलो गाइस दिस इज टोटली अनसेफ, बट क्या करें, हम आगे हम आए दूसरे दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से हम आए थे नीचे जहाँ पे पानी बह रहा था उस रास्ते से हम आए थे, और अब जा रहे हैं सॉरी पहाड़ के ऊपर से, जो मंदिर है उसके ऊपर पहाड़ है वहाँ से हम जा रहे हैं, और जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जा रहे हम। चलो यार यहाँ से और गाइस यहाँ पे लोगों ने रास्ता बना रखा है, ये छोटे छोटे पत्थर लगा रखे हैं पहाड़ों में, और यहाँ से ये देखिए ये पहाड़ों के इधर ये पूरी खाई है, और बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ से देखो हमारे पैरों में तो कुछ नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा पैरों में, स्लीपर डाले हैं बस पैरों में हमने। और यहाँ पे ही लगने वाले हो आगे, ये देखो मेड बना रखी है पत्थरों की, और देखो वो लेडीज अभी हमसे आगे जा रही है, उनकी चप्पल यही रह चुकी है, क्योंकि जहाँ पे जो स्लीपर पहन के आ गया वो स्लीपर उसकी गारंटी के साथ वापस ठीक से नहीं ले जा सकता, उनको वापस यहीं रख के जाएगा, इसलिए हमें इतनी सारी स्लीपर मिल रही है। लेकिन ये देखो रास्ता सिट, जहाँ से लैंड स्लाइडिंग हो सकती है क्योंकि ऊपर है पहाड़, लेकिन वो ऐसे पहाड़ हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग नहीं हो सकती। चलो यहाँ पे, और ये देखो बड़े बड़े विशाल का पत्थर, ये आगे लेडीज बैठी हैं, हमारी चप्पल छोड़ी चली गई थी, वही लेडीज हैं यहाँ पे। और लोग बना रहे अपने घर, फ्यूचर में ऐसे घर बनाएंगे ऐसे लोग पहाड़ों में, इसलिए यहाँ बना के जा रहे हैं। तो हम अब चलते हैं, और हम वहाँ से उस मंदिर से आ रहे, जो आपको मंदिर दिख रहा होगा ये देखिए ये मंदिर है, वहाँ से हम आ रहे हैं इधर पहाड़ों से होते हुए, और इधर साथ में लोग भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, रेंडमली हमारा प्लान बना था, इधर पहुँच गए हम पहाड़ों के बीच में, और हम जा रहे हैं डायरेक्ट शॉर्टकट, रास्ता नीचे से था बट हम बदलों के ऊपर पहुंच चुके हैं, रास्ता नीचे से था लेकिन हमने लिया शॉर्टकट, और शॉर्टकट में हमें पड़ गया बड़ा भारी क्योंकि रास्ता बड़ा ख़तरनाक। चलो जल्दी, और गाइस हमें लग रहा है हम आगे प्लेन में, क्योंकि पहाड़ के साथ ऊपर सबसे ऊपर आ चुके हैं, तो ये कुछ प्लेन लग रहा है हमें यहाँ पे, पर थोड़ी आगे जाके पता चलेगा पहाड़ कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन ये सड़क खराब, लेकिन रास्ता है ना ये बड़ा ख़राब है, इधर भी देख लो कुछ देख लो इधर, अरे कहाँ जा रही है यार। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि नीचे जा रहे हैं, रास्ता इतना अनसेफ है कि यहाँ पे कुछ भी हमें मिल सकता है जंगली जानवरों में से। चलो तो मैं चलता हूँ आगे, इनको लेता हूँ पीछे, क्योंकि और यहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन व्लॉगिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है यहाँ पे व्लॉगिंग करना, वो मैं ही जान रहा हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं एक तो ढलान आ गया अब, और ढलान के साथ हम पहाड़ से नीचे जा रहे हैं, तो रास्ते में हो रही है चिकनाहट, चिकनाहट है बट यहाँ पे पत्थर है तो उनसे आपको सपोर्ट मिल जाता है। गाइस वीडियो बन सकती है मेरी यहाँ पे, क्योंकि देखो रास्ता देखो रास्ता देख सकते हो मैं आपके लिए कहाँ से जा रहा हूँ, लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पे, ओ बाप रे बाप कहाँ पहुँच गए। और ये देखो पानी को जैसे कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया रास्ता, यहाँ पे पहले तो रास्ता ठीक था लेकिन अब जैसे ढलान था तो उसकी वजह से मैं चला, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे रास्ता इतना ख़तरनाक है कि मेरे को यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि व्लॉगिंग के चक्कर में मेरा सर फूट जाएगा जैसे मेरे को लग रहा है। तो गाइस थोड़ी देर लिए मांगता हूँ सॉरी, और मैं व्लॉगिंग करता हूँ बंद, क्योंकि अगर ऐसे मैंने कंटिन्यू व्लॉगिंग की तो मैं नीचे पक्का जाने वाला हूँ, तो इसलिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ बंद, थोड़ी देर आगे मिलता हूँ आपको अभी। और गाइस यहाँ पे बड़ा तेज आ रहा है शोर, लोग उधर से शाउटिंग कर रहे हैं इधर से हम कर रहे हैं, इनके पास आ गया फ़ोन। गाइस सीन किस ऐसा है कि मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि जिस तरह से रास्ता है डरना स्वाभाविक है, और रास्ते में बाकी किसी का डर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू वगैरह हैं उनका काफ़ी डर लग रहा है उनसे, क्योंकि किधर से कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे हमें, बट कोई नहीं अब थोड़ा सा प्लेन आ गया है आगे चलते हैं अब।
गाइज कुछ सीन ऐसा लग रहा है हम शायद रास्ता भटक चुके हैं, तो पता नहीं क्योंकि हमें चलते हुए बहुत देर हो गया, कम से कम नहीं तो 20-25 मिनट हो गए उतरते हुए, लेकिन रास्ता का आ ही नहीं रहा एंड। तो इस ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और रास्ता जा रहा है लेकिन इसका एंड नहीं आ रहा, तो हमें लग रहा है कि हम रास्ता भटक चुके हैं लेकिन हम इसके साथ ही बन रहे हैं, क्योंकि और एक रास्ता था ऊपर जो हम रास्ता था ऊपर उससे हमने लिया था दूसरे रास्ता के और इससे हम जा रहे हैं, तो क्या पता सही पहुँच जाएँ, क्या पता हमें वापस आना पड़े उस रास्ते के लिए, तो क्योंकि जंगल है, जंगल मर चुके, भटक चुके, रास्ता पसीना आ चुके हैं। और गाइस एक बड़ी खुशखबरी, इधर आ रही है पानी की आवाज़, आई थिंक हम रास्ते पे सही एकदम सही करेक्ट रास्ते पाए हैं, क्योंकि पानी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पानी की जिधर से आवाज़ थी पानी उधर से जा रहा था जिधर से हम पहले गए थे, तो शायद हम सही रास्ते पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं थोड़ी देर नीचे पहुंचने के बाद कन्फर्म हो जाएगा हम सही रास्ते से आए नहीं, और देखते चलते हैं। और गाइस जब हम गए थे तब हम गए थे इस रास्ते से, ये वो रास्ता जिससे हम गए थे पहले, और अभी हमें करना है ये नाला पार। पानी वहीं से आ रहा है जब पहले झरना था वहाँ से पानी आ रहा है, इधर रास्ते से आए हम, इस रास्ते से गए थे, ये है नाला, इसमें पानी हम एक बार पैर धो लेते हैं। और गाइस कुछ सीन ऐसा बन रहा है, बारिश आ गई है हल्की हल्की, और जल्दी से पहुँचना है गाड़ी के पास, यहाँ से कम 700-800 मीटर दूर है, और बारिश भी आ चुकी है, देखो ये हल्की हल्की बारिश दिख रही होगी आपको, बट रास्ता भी ऐसा है, तो उससे जल्दी से यहाँ से चलते हैं और गाड़ी के पहुँचते हैं। अरे और गाइस इधर आ रहे हमारे पेटू महाराज, जल्दी जाओ पेटू महाराज, पेट को भेजो मत जोर से, जितना है उसको रहने दो, ये देखो पेट कितने जोर से अलग दिख रहा है इनका। अब बारिश आ रही है, इधर से जल्दी से निकल लेते हैं। और गाइस ये रास्ता एकदम थोड़ा प्लेन आ गया है, बट ये पानी की वजह से, पानी बारिश हुई थी उसका पानी की वजह से कुछ ऐसा बन गया रास्ते, इधर से चलते हैं। इधर जंगलों से देखो दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर क्लियर। और फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी कार के पास, कम से कम 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पैदल पैदल पहुँच चुके कार, इधर खड़ी हो कार, तो इधर बैठ लेते हैं आराम से। कहाँ है वो? वो तो आ रहे हैं, ये कहाँ है? हाँ जी क्या हाल है? अरे राम, पर यहाँ पे बंदरों के खाने लग गए जो केले उन्होंने बंदरों के लिए लेते, इन पर गई भूख, तो ये केले खाने दबा के, अब केला खाना है आपको, किसी को खा लो यार, पर आज से टाइम जोर बोला है भाई साहब, फटाफट आएगा। अरे हम भी ठीक आए थे तो, लेकिन रास्ता खराब था हमारा। इधर कहाँ है बंदर? नहीं है तो उधर फेंको, उधर येलो 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 पकड़ो 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 पकड़ो। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं द्वारत्री बाबा के, तो इधर हमने ले लिया प्रसाद, तो ऊपर हम चलाएंगे प्रसाद, तो मंदिर उधर चलते हैं एक बार। ओके ये आ चुका है मंदिर भरती बाबा के, इधर इधर ये काफ़ी सारी स्टॉल लगी छोटी छोटी यहाँ पे, कुछ इधर प्रसाद के लिए दुकान है, और इधर जा रहे मंदिर, ये है अंदर कुछ मंदिर, अंदर तो मंदिर में इधर ढोक, तो उधर चल लेते एक बार। क्या कह रहे हो? क्या हो गया गाड़ी क्यों काट रहे हो? इसके साथ हो गया अन्याय, इसको अगरबत्ती नहीं दी है, मंदिर में आ गाड़ी काटे जा रहे हैं। हमें दिखा सांप, अरे भरतरी बाबा, अरे पानी में सांप, देखो वो कर रहा डांस, भरतरी बाबा के मंदिर में सांप, और ऐसे ही लग रहा है परेशान है। अरे आ गया, ये है यहाँ पे सांप, वो जा चुका है, देखो पानी में घूम रहा था, शानदार, और चला गया पानी में, और यहाँ पर आ रहा इधर पानी एकदम ऊपर झरने से, और इधर अमर गंगा, गिर मत जाना। ओके जी आ चुका है मंदिर भरतरी बाबा का, इधर जहाँ हम आए हुए हैं यहाँ पे मंदिर,
सामने से करते हैं शायद, उधर से करते हैं, उधर से होगा वही है, उधर सही नहीं। क्या करना तुम्हें? ये वाली लकड़ी वाली तो गाइस यहाँ पे हो रही बारिश, और बारिश में हम खा रहे हैं कचौड़ी। कचौड़ी खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे अंदर। और इधर आ गए हमारी कचौरियाँ पहले की है क्या, और ये वाला दूना ठंडी तो नहीं है भाई, गर्म है क्या? ये मौसम बारिश का, बारिश के मौसम में कचौरी आ जाओ। तो गाइस दिस इज गर्मा गर्म मिल्क केक, अलवर का फेमस कलाकंद। क्या कह रहे हो? बढ़िया है एक नंबर यार, गरम है एकदम। तो कल इधर मस्त हमने खाली कचौरी और ले लिया है अलवर का फेमस मिल्क केक कलाकंद। तो सबने कलाकंद पैक कर दिया है इन्होंने, तो अब यहाँ से चलते हैं। काफ़ी टेस्टी कचौरी थी, और उसके बाद निकलते हैं। ये है हम जो दुकान पर रुके हैं, ये है माधोगढ़ में, और ये है नेत्राम सैनी स्ट्रीट्स के नाम से। काफ़ी अच्छा कलाकंद है और एकदम एक नंबर कचौड़ी जो अलवर मिलता है बाबा ठाकुर का कलाकंद, उससे काफ़ी अच्छा, उससे काफ़ी अच्छा कलाकंद है, सस्ता भी उससे। तो यहाँ से चलते हैं आगे जब पहुँचते अलवर। और इधर ये बारिश, बारिश में जल्दी से गाड़ी में बैठ लेते हैं भाई। फ़ोन तो इधर रखा है आपका? मेरा फोन कहाँ है? ये रखा है यहीं पे रखा है। हाँ रख, पकड़ा छोड़ो, एक मिनट से पकड़ना। कलाकंद 10 किलो ले लिया आपने तो,